गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को आयन के बारे में सिखाया था, बराबर है। उसकी डेफिनेशन देखी थी कि भाई आयन की डेफिनेशन कौन सी थी स्टूडेंट, कि भाई कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेनिंग चार्ज्ड स्पीसीज आर नोन एज एन आयन, यानी कि कंपाउंड जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल से बना हो, इसके अंदर चार्ज्ड स्पीसीज होती है, वो चार्ज्ड स्पीसीज को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आयन बोलते हैं। आयन दो टाइप के हैं, फर्स्ट है पॉजिटिव आयन, दूसरे है नेगेटिव आयन। जो नेगेटिव आयन है उनको बोलते हैं एनायन, और जो पॉजिटिव आयन है उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कैटायन। अब स्टूडेंट हम लोग ऐसे मोड के ऊपर पहुंचे कि भाई हमारे ये चैप्टर का मेन एम है हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। तो भाई कोई भी कंपाउंड का आप कैसे केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो स्टूडेंट। हम लोग जो ऑफलाइन में मिलेंगे, अब ज्यादा टाइम दूर नहीं है, थोड़े दिन के बाद हम लोग ऑफलाइन में मिलने वाले हैं, तो ऑफलाइन में भी जब हम लोग मिलेंगे तो स्टूडेंट हम लोग यहां से ही स्टार्ट करने वाले हैं, बराबर है। ऑफलाइन में जब मिलेंगे तो हम लोग यहां से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो पोर्शन है, आप 10 स्टैंडर्ड के अंदर जाओगे, 11 स्टैंडर्ड के अंदर जाओगे, या तो 12 स्टैंडर्ड के अंदर जाओगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्टूडेंट। कि भाई आप 10 में जाओगे, 11 में जाओगे या 12 में जाओगे, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि भाई कोई भी कंपाउंड का आप कैसे केमिकल फॉर्मूला लिख पाओगे। 10 स्टैंडर्ड में तो फर्स्ट ही चैप्टर है, बराबर है। मैं आपको पूरा पैम्फलेट सेंड करूंगा कि भाई आपको केमिकल फॉर्मूला रटने पड़ेंगे। सेम 11 12 में भी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके ऊपर डिपेंडेबल। बट स्टूडेंट कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले उसके कुछ रूल्स है, जो रूल्स हम लोग कल की वीडियो के अंदर सीखेंगे। भाई रूल्स कौन से, रूल्स के बगैर तो कुछ चलता नहीं है। तो रूल्स सीखने से पहले आपको आयन के बारे में समझना पड़ेगा, और स्टूडेंट जो भी आयन बनेंगे वो आयन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा, कि भाई पॉजिटिव चार्ज यानी +1 +2 +3, फिर नेगेटिव चार्ज यानी कि -1 -2 -3 चार्ज प्रेजेंट होगा। वे चार्ज कैसे प्रेजेंट होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले आपको क्या आना चाहिए स्टूडेंट, भाई 1 से लेके हमारे जो 30 तक के एलिमेंट है, 1 से लेके 30 तक के जो एलिमेंट है उनके नेम लाइन सर और उनके एटॉमिक नंबर अगर आपको आते होंगे, अगर केमिकल के नेम लाइन सर आते हैं तो एटॉमिक नंबर तो 1 से लेके 30 नंबर ही लगा देने का है, अपने आप हो जाएगा, क्लियर। तो पहले तो आपको केमिकल वो एलिमेंट के नेम आने चाहिए, अगर एलिमेंट के नेम आते हैं तब इनका एटॉमिक नंबर भी इजीली लिख पाओगे, और एटॉमिक नंबर आता होगा तो वो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कि भाई पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव में कौन सा भी +1 +2 की +3 आता है, या नेगेटिव में -1 -2 -3 आता है, वो भी आप इजीली समझ पाओगे, और वो समझ गए तब इजीली कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख पाओगे, क्लियर। सेकंड नंबर स्टूडेंट, जो पॉली एटॉमिक आयन है, मैंने एडवांस में आपको सेंड कर दिए थे,
जो कल के वीडियो के अंदर भी पॉलीएटॉमिक आयन के सारे एग्जाम्पल लिखे थे और आपको बोला था ये ईच एग्जाम्पल का नेम, उसका केमिकल फॉर्मूला आपको पक्का आना चाहिए और उसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज भी आपको याद रहना चाहिए। वो चार्ज याद रहेगा तो आप उनके फॉर्मूला लिख पाओगे, यानी कि जो कंपाउंड बनेगा उसका केमिकल फॉर्मूला लिख पाओगे। तो स्टूडेंट 1 से लेकर 30 तक के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कैसे लिखेंगे उसके लिए मैंने आपको गुजराती के अंदर 2 लाइनें सेंड की थी, याद आता है आप लोगों को? अगर वो, और मैंने आपको बोला भी था ये दोनों लाइनें आपको 20-20 टाइम लिख कर एक सॉन्ग की तरह गा कर इसको पक्का करना है। लाइन अगर वो लाइनें आती होगी तो आज आपका काम एकदम इजी बन जाएगा। यानी कि स्टूडेंट कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखे उससे पहले लाइनें याद करनी है, सारे एलिमेंट के नेम लिख देने, उनके एटॉमिक नंबर लिख देने और इसके बाद में आप क्या कर सकते हो भाई, उसका चार्ज फिक्स कर सकते हो, +1, +2, +3 या तो -1, -2, -3 और इसके बाद में आप कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट लाइन मैंने आपको सेंड की थी उसके अंदर टोटल 1 से लेके 20 एलिमेंट के नेम और उनके सिंबल प्रेजेंट थे, भले वो गुजराती में थे बट अभी आपको आ जाएगा। लाइक मैंने आपको कौन सी लाइनें सेंड की थी स्टूडेंट, ऐसा कुछ था कभी हा ली बी बो का नी ओ, ऐसा कुछ था कभी हा ली बे बो का नी ओ, फिर क्या था भाई फ नी सो, फिर क्या था मे ए, फिर क्या था भाई सी फो स, फिर क्या था भाई क आ ओ के। यानी कि देखो स्टूडेंट अगर 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट आपको ओरली आते हैं तो जब आप 11 स्टैंडर्ड में ये जो लाइन है इसको डिलीट मत कर देना, वेस्ट मत कर देना, पेज में लेकर अपने रूम के अंदर चिपका देना, बहुत काम की चीज है स्टूडेंट, बराबर है? चिपका देना, 11 में जाओगे तब आप मुझे याद करोगे कि ये सर ने हमें ऐसे 1 से लेके 30 एलिमेंट सिखा दिए विदाउट एनी मजूरी। चलो ये हमारी लाइन थी, कौन सी थी भाई हा ली बे बो का नी ओ, फिर क्या था भाई नी ओ फ नी सो मे ए, फिर क्या था भाई सी फो स क आ ओ के, ये 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट है। देखो ह और क्या भाई हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन उसका सिंबल है एच और इसका एटॉमिक देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर इधर लिखता हुआ है 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये इनके एटॉमिक नंबर है। लाइक आपके जैसे रोल नंबर होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से ही आपको पता चलेगा कि भाई वो पॉजिटिव आयन बनाएगा कि नेगेटिव आयन बनाएगा। भले आज के वीडियो में पूरा नहीं होता है बट ये एक पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करें कि भाई हमारे गुजराती स्टेटमेंट कौन सा हाली बे बो का नी ओ फ नी सो मे ए, फिर कौन सा था भाई सी फो स क
क आ को के, इतना याद रहेगा तो फिर हम लोग नाम लिख सकते हैं। ह फॉर हाइड्रोजन, ह मींस हीलियम, हीलियम का क्या है एच। ली मींस लिथियम, मींस क्या आएगा भाई एल आई। बे मींस बेरिलियम, सिंबल है उसका बी। बो फिर बोरॉन, बी ओ आर ओ एन, इसका सिंबल है बी। काप और कार्बन, काप और क्या आएगा भाई कार्बन, उसका सिंबल है सी। नी फॉर नियॉन, सॉरी नी फॉर नाइट्रोजन, देखो एन आई, एन आई में से बना नी, सी ए में से बना का, बी ओ में से बना बो, बी ई में से बना बे, एल आई में से बना ली, एच ई में से ह ई ली, ऐसा कुछ था बराबर है। ह मींस हाइड्रोजन, चलो नी मींस एन आई टी आर ओ जी ई एन नाइट्रोजन, सिंबल कौन सा एन। ओ मींस ऑक्सीजन, सिंबल कौन सा ओ। फिर देखो फ मींस ह मींस ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या आएगा भाई एफ। फिर नी, नी मींस क्या होगा नियॉन, यानी कि एन आई। फिर सो मींस सोडियम, उसका सिंबल है एन ए बराबर है। मे मींस मैग्नीशियम, यानी कि एम जी। ए मींस एल्यूमिनियम, सिंबल है स्टूडेंट उसका ए एल। फिर सी मींस सिलिकॉन, इसका सिंबल है एस आई। फिर ओ मींस फॉस्फरस, सिंबल है पी। फिर स मींस सल्फर, उसका सिंबल है एस। फिर क मींस क्लोरीन, सिंबल है सी एल। फिर आ मींस आर्गन, उसका सिंबल है ए आर। फिर पो मींस पोटेशियम, उसका सिंबल है के, सिंबल खास याद रखने के मींस कैल्शियम, उसका सिंबल है सी ए। बराबर ये 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट हो गए। कौन सा ह ई ली, बे ओ खा, नी ओ, फ नी सो, मे ए, सी ओ स, क आ ओ के। ह मींस हाइड्रोजन, ही मींस हीलियम, ले मींस लिथियम, ह ई ली, बे ओ खा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नी ओ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर कौन सा है फ नी सो, फ मींस फ्लोरीन, नी मींस नियॉन, सो मींस सोडियम, मे ए, मे मींस मैग्नीशियम, ए मींस एल्यूमिनियम। फिर कौन सा है भाई सी ओ स, सी मींस सिलिकॉन, फो मींस फॉस्फरस, स मींस सल्फर। उसके बाद में कौन सा है क आ ओ के, क मींस कौन सा भाई क्लोरीन। फिर आ मींस कौन सा है आर्गन, पो मींस पोटेशियम, के मींस कैल्शियम। इनमें से सबसे ज्यादा आपको किन को याद रखना है, देखो एक तो हाइड्रोजन, सेकंड कौन सा है कार्बन, तीसरा कौन सा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर कौन सा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनको एटॉमिक नंबर के साथ में याद रखने बराबर है, रट्टा मार सकते हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1,
सेकंड नंबर कौन सा? कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, फिर कौन सा भाई? एल्यूमिनियम 13। तो केमिकल फॉर्मूला इजीली लिख पाओगे। फिर कौन सा याद रखना है? इनमें से सल्फर बराबर है, फिर क्लोरीन बराबर है, फिर पोटेशियम और कैल्शियम, इतने तो खास याद रखने पड़ेंगे। ये 1 से लेके 20 हो गए, क्लियर? कितने याद रखोगे? चलो पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन के बाद कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, इसके बाद में सल्फर 60, इसके बाद में कौन सा आया भाई? क्लोरीन 70, फिर कौन सा भाई? पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट हो गए, याद रहेगा कैसे भाई? ह ही ली, ह फॉर हाइड्रोजन सिंबल एच, ही मींस हीलियम सिंबल एच, ली मींस लिथियम सिंबल एल आई, फिर बे बो का, बे फॉर बेरिलियम बीई, बो फॉर बोरॉन बी, का फॉर कार्बन सी ए सी बराबर, फिर नी ओ, नी फॉर नाइट्रोजन एन, ओ फॉर ऑक्सीजन यानी कि ओ, फिर फ नी सो, फ नी सो, फ फिर फ्लोरीन, एन नी फॉर नियोन एन आई, या तो सॉरी नी फॉर नियोन एन ए, सो फॉर सोडियम एन ए, 11 एटॉमिक नंबर, फिर मै ए, मै का मतलब एम जी 12, ए का मतलब एल्यूमिनियम 13, फिर कौन सा है भाई? सी फो स, सी फॉर सिलिकॉन, फो फॉर फॉस्फरस, सी फो स, स फॉर सल्फर बराबर है। फिर तो नंबर तो आपको दे देने, उसके बाद कौन सा है? क आ पो के, क फॉर क्लोरीन 70 नंबर, आ फॉर आर्गन 80 नंबर, ओ फॉर पोटेशियम 90 नंबर, के फॉर कैल्शियम 20 नंबर, क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद भी मैंने आपको एक स्टेटमेंट सिखाया था, ये 1 से लेके 20 तक में मैंने जो टिक किए वो आपको किसके साथ में भाई? फोन के एटॉमिक नंबर के साथ में याद रहने चाहिए। फर्स्ट कौन सा? हाइड्रोजन 1, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, इसके बाद में सामने जाए तो कौन सा? सल्फर 60, क्लोरीन 17, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, ये 20 तक के एलिमेंट हो गए स्टूडेंट। चलो इसके बाद में मैंने आपको एक ऐसा स्टेटमेंट लिखवाया था, कभी एसटी ये आपके काम की नहीं है, एसटी वडोदरा कॉरपोरेशन में फेरिया को निकालने की जगह दी, ऐसा था भाई? एसटी वडोदरा कॉरपोरेशन में फेरिया को निकालने को जगह दे, एसटी यानी कि एसटी यानी कि टीआई, वडोदरा मींस वी, कॉरपोरेशन मींस सीआर, में यानी कि एमए, फेरिया यानी कि एफए, फेरिया को यानी कि सीओ, कोबाल निकालने की एनआई की निकालने की जगह दिया की छेड़े, ये की यानी कि निकालने को ऐसा था यानी कि सीओ, यानी देखो ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ZN का एटॉमिक नंबर 30, यानी कि 1 से लेके
30 तक के आपके एलिमेंट कंप्लीट हो गए। तब एसटी वडोदरा कॉर्पोरेशन में फेरिया को निकालने को जगह दे, एस यानी एससी टीआई वी सीआर कॉर्पोरेशन सीआर में एमएन फेरिया एफए को सीओ फेरिया को सीयू आएगा इधर निकाल एनआई को यानी सीयू और झेड जगह लेनी झेड। ये आपके 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट तैयार हो गए स्टूडेंट। आप जब 11 में जाओगे तब ये 21 से 30 तक के एलिमेंट आपके काम में आएंगे, इनको ट्रांजिस्टिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रांजिस्टिव एलिमेंट। बट अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के अंदर काम के एलिमेंट कौन से? 1 से लेके 20। चलो अब जरा हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट कि भाई आयन कैसे बनते हैं। आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन चलता है कि भाई ये आयन कैसे बनते हैं। ओरिजिनल में क्या होना चाहिए था स्टूडेंट? आपका जो फोर्थ नंबर का चैप्टर है वो थर्ड नंबर होना चाहिए था, थर्ड नंबर का चैप्टर फोर्थ नंबर होना चाहिए था, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाता। बट जिसने भी बुक बनाई उसने घोटाले कर दिए। फोर नंबर में जो आना चाहिए था वो थर्ड नंबर में रख दिया, थर्ड नंबर में जो आना चाहिए था वो फोर नंबर में रख दिया। अगर थर्ड पहले सीखते तो फोर में, अगर आप लोग फोर नंबर का चैप्टर पहले सीखते तो इसमें आपको बहुत मजे आते। हमारे ओल्ड जो कोर्स था उसके अंदर ऐसा ही था स्टूडेंट। तो भाई आपका भी जो फोर नंबर का चैप्टर है वो हमारा थर्ड नंबर था, और जो थर्ड नंबर चैप्टर है वो हमारा कौन सा था भाई? फोर्थ नंबर था। इसलिए स्टूडेंट को बहुत मजे आते थे, इजीली समझ पाते थे। यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट? हमारी मेहनत बहुत बढ़ गई। तो भाई पहले आपको एलिमेंट के नेम तैयार करवाओ, उनके एटॉमिक नंबर तैयार करवाओ, समझाओ। यानी कि तो क्या हो गया, शादी में गए, पहले दाल भात खा लिया, फिर मिठाई खाई, फिर पूरी शाक खाए, लाए सर कुछ नहीं खाए, ऐसे चैप्टर दोनों उल्टे सूटे हो गए, बराबर है। अगर आप पहले फोर सीखते उसके बाद में थर्ड सीखते तो बहुत मजा आता। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी मेहनत बढ़ेगी हमारी, बट तैयार तो हम लोग कंप्लीट हो जाए। चलो स्टूडेंट, ये मैंने आपको सिखा दिया, मैंने जो दो स्टेटमेंट आपको भेजे थे आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करती रहनी है। ह यानी कि हाइड्रोजन, पूरा नाम और उसका सिंबल लिखने का प्रयत्न ट्राई करते रहना है। ह फॉर हाइड्रोजन, ई फॉर हीलियम एच ई, ली फॉर लिथियम एल आई, बे फॉर बेरिलियम बी ई, बो फॉर बोरॉन बी, फिर का फॉर कार्बन सी ए, फिर नी ओ, नी फॉर नाइट्रोजन एन, ओ फॉर ऑक्सीजन ओ, फिर कौन सा दबाए सी फॉर स, कौन सा दबाए फिर कौन सा था सी फोर स एस आई पी, फिर कौन सा था स यानी सल्फर, क आर ओ के क्लोरीन, आर्गन पो यानी पोटेशियम, के मीन्स कैल्शियम। वर्ड से लेके 20 तक के एलिमेंट हो गए। अब जरा स्टूडेंट हम लोग सीखे कि आयन कैसे बनते हैं। अगर आयन बनाने का आप सीख गए तो स्टूडेंट क्या होगा? अबे कौन मेटालिक एलिमेंट है, कौन नॉन मेटालिक एलिमेंट है, वहां इजीली सीख जाओगे, बराबर। पूरी केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो पूरी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। आप 10 में जाओगे, 11 में जाओगे, 12 में जाओगे, हर एक टीचर आपको ये चीज सिखाएगा। क्योंकि यहां पर अच्छे से समझोगे आपका काम एकदम इजीएस्ट हो जाएगा। चलो जरा मैं चलो थोड़े क्वेश्चन पूछता हूं।
कि भाई आप लोग पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, कुछ लोग बोलेंगे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, कुछ लोग बोलेंगे मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। बट स्टूडेंट, आप जो भी बनो, लास्ट में गोल तो कौन सा है? पैसे कमाने का है। कौन सा है भाई? पैसे कमाने का। पहले लखपति बनोगे, लखपति बन गए, फिर इच्छा होगी करोड़पति बन जाओ, इसके बाद इच्छा होगी अरबपति बन जाओ, फिर मिलियनपति बन जाओ, बिलियनपति बन जाओ, ऐसे सबकी इच्छा होगी। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है। कभी हर एक एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है कि भाई वो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। कभी आयन कैसे बनेंगे, पहले उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे। कभी स्टूडेंट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक है, इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के बाद लाइक सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कि भाई सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन है। मैं जो बोलूं वो अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, आप जब ऑफलाइन मिलोगे तो भी यहां से ही स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन में इतने मजे आने वाले नहीं है। मुझे जो सिखाना है दिल लगाकर वो नहीं सिखा पाऊंगा, बराबर है। यानी कि स्टूडेंट, कोई भी लाइक सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, सोडियम के अंदर सोडियम सिंबल कौन सा, Na, और एटॉमिक नंबर कितना, 11। इसका मतलब हुआ सोडियम में 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लाइक दूसरा लिखते हैं मैग्नीशियम, यानी कि Mg, उसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन है, इतना तो आपको बोलते रहना। चलो इसके बाद में लिखते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, उसका एटॉमिक नंबर है 13। चलो इसके बाद में लेते हैं कार्बन, कार्बन का सिंबल है C, उसका एटॉमिक नंबर है 6, कितना है भाई, 6। चलो इसके बाद में लेते हैं नाइट्रोजन, उसका सिंबल है N और उसका एटॉमिक नंबर है 7। चलो नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं ऑक्सीजन, उसका सिंबल है O, एटॉमिक नंबर है 8। चलो इसके बाद में लेते हैं क्लोरीन, भाई क्लोरीन सिंबल है Cl, एटॉमिक नंबर है 70। चलो इसके बाद में लेते हैं नियॉन, चलो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना बनता है, देखो तो जरा, कभी ह हा ली बे ओ का नी ओ फ नी सो सी ओ स, सॉरी ह हा ली बे ओ का नी ओ, फिर कौन सा आता है, फ नी, नी यानी कि नियॉन, कौन सा है भाई, 10 नंबर, एनी, कौन सा है भाई, 10 नंबर। चलो ये इनके एटॉमिक नंबर है। स्टूडेंट, कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं,
इसके बाद की हर एक ऑर्बिट के अंदर एक 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 इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं। कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दो, इसके बाद वाले चैप्टर में बदल लोग है ना। मैंने पहले से बोला कि भाई इसके बाद वाला चैप्टर पहले पढ़ते तो बहुत मजा आता कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, सेकंड में एक, इसके बाद में एक एक इलेक्ट्रॉन अरेंज होते जाते हैं स्टूडेंट। कि भाई नवरात्रि के अंदर जाते हैं घर में गाने के लिए तो पहली ऑर्बिट में 4-5%, दूसरी ऑर्बिट के अंदर 20-25%, तीसरी ऑर्बिट में 40-50% घर में गाते हैं। स्टूडेंट डिटेल में समझाने जाऊंगा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। कभी कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दो, इसके बाद में एक, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन स्टेप वाइज मैनर में अरेंज होते। लाइक आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देखो पीले वाले को 2+8=10+1=11 हुआ। 11 का मतलब क्या है, 2A1। चलो से मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2A क्या बनेगा भाई, 2। पेपर में आ सकता है आपको 2 मार्क में मैग्नीशियम 12। ये अगर आप लिख पाओगे तो आप लोग केमिकल फॉर्मूला सीख पाओगे, 2A2 हो गए 12। चलो एक सेम मेथड से एल्यूमिनियम का लिखो तो क्या बनेगा भाई, 2A3। चलो कार्बन का लिखो 6 है तो 2-4। नाइट्रोजन का 7 है तो 2-5। ऑक्सीजन का 8 है तो 2-6। क्लोरीन का 17 है तो 2A7। चलो नियोन का 10 है तो 2A। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आता है। तो भाई 2, 8, 1 11 हो गया, फिर 30, 12 है तो 2+8, 10+2, 12, 2+8, 10+3, 13, 2+4, 6, 7 × 2+5, 7, 8 है पहली ऑर्बिट में 2, बाकी कितने बचे, 8 में से 2 गए, कितने बचे 6, 17, तो 2+8, 10, 10+7, 17, 10, तो 2+8, 10। स्टूडेंट अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाए तो इतना समझ लो कि कौन मेटल बनेगा, कौन नॉन मेटल बनेगा, कौन सेमी मेटल बनेगा, वो आप इजीली समझ पाओगे। मेटल किसको बोलेंगे, नॉन मेटल किसको बोलेंगे, सेमी मेटल किसको बोलेंगे, आप इजीली समझ पाओगे। तो स्टूडेंट अब जो मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं वो अच्छे से समझो। कभी हर एक एलिमेंट आपकी भी एक टेंडेंसी है, आप करोड़पति बनना चाहते हो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो। से मेटल की लैंग्वेज में बोले कि भाई हर एक मेटल अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है, हर एक एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि भाई एक इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट ऑक्टेट या तो क्या बोलते हैं भाई, क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कभी हर एक एलिमेंट की अपनी एक टेंडेंसी होती है, वो अपने लास्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन। अब अच्छे से समझो, अब लाइक देखो यहां पर तो 8 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8। मैंने ऐसे एग्जांपल सेट किए हैं कि आपको इजी लगे। तो स्टूडेंट कोई भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो,
कोई भी एलिमेंट का, जो बोलने जा रहा हूं अच्छे से समझो, कोई भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1, 2, 3 जो बोलू वो समझना, कैसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या कितने भाई 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बराबर है। कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, एक स्लाइड पढ़ती है थोड़ी, चलो लाइक कंप्लीट हो गई भाई। अब समझो कोई भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, मैंने आपको 1, 2, 30 एलिमेंट सिखाए, आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये सबसे लास्ट ऑर्बिट है उसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोलते हैं, अदर वर्ड के अंदर उसको वैलेंस ऑर्बिट भी बोलते हैं। बहुत सारी चीजें डिटेल में समझनी है, 10 में भी समझनी पड़ेगी। तो भाई कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते, इतने ही हो सकते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते। अब ध्यान से सुनो, एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो उसकी टेंडेंसी ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को क्या करने की होती है भाई, लूज करने की होती है। क्या करने की होती है, इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर दे। अब एलिमेंट जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो उनकी टेंडेंसी ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को क्या करने की होती है भाई, लूज करने की होती है। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव आयन। याद रहेगा जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो वो एलिमेंट की ऑलवेज एक टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो क्या करेगा भाई, पॉजिटिव आयन बनाएगा। लाइक देखो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा भाई, Na+1 आयन। ये मेन है, अगर ये आपको आ गया आप इजीली केमिकल फॉर्मूला लिख पाओ। क्लियर। सेम मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका जो चार्ज है यानी उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी बनेगी भाई, +2 बनेगी। सेम एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बनेगा भाई, Al+3। क्लियर। अगर इतना आ गया आप कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख पाओ। तो स्टूडेंट क्या ध्यान रखना है, एलिमेंट जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1, 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो वो एलिमेंट की ऑलवेज एक टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। क्यों लूज करते हैं, देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सबसे लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, करोड़पति बन गया एलिमेंट की लैंग्वेज में। यहां पर देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए कितने बन गए, 8। इसने कितने लूज किए, 3, तो कितने बन गए, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। क्लियर। तो जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे वो पॉजिटिव आयन बनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बना भाई, Na+1।
मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ऑलवेज क्या बनेगा भाई Mg+2। एल्यूमिनियम ने तीन इलेक्ट्रॉन लूज किए तो क्या बना भाई Al+3। बराबर है। तो जो भी एलिमेंट पॉजिटिव आयन बना है, ये कौन से आयन बने स्टूडेंट, कभी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हो वो ऑलवेज कौन से एलिमेंट होंगे, मेटालिक एलिमेंट। कौन से होंगे स्टूडेंट, मेटालिक एलिमेंट होंगे। क्लियर। एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो वो एलिमेंट की ऑलवेज टेंडेंसी होती है वो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके, एक इलेक्ट्रॉन हो तो क्या बनाते हैं भाई +1, दो इलेक्ट्रॉन हो तो क्या बनाते हैं +2, तीन इलेक्ट्रॉन हो तो क्या बनाते हैं भाई +3 आयन। और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाए वो कौन से एलिमेंट है स्टूडेंट, मेटालिक एलिमेंट। कौन से है भाई, मेटालिक एलिमेंट, यानी ये एलिमेंट ये तीन इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकते हैं। अच्छे से समझना कि भाई जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो वो एलिमेंट ये इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, लूज कर सकते हैं। क्लियर। लूज का स्पेलिंग गलत है, बराबर है। अब ये 4 वाले को साइड में छोड़े, एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वह इतने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करते नहीं है, इजिली लूज करते नहीं। अच्छे से समझो, लूज कौन करेंगे, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो वो इजिली क्या करेंगे भाई, लूज करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे वो क्या बनाएंगे, पॉजिटिव आयन। जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो उनकी वो इजिली ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट, एनर्जी की जरूरत पड़ती है या फिर लॉट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो एलिमेंट है वो क्या करेंगे स्टूडेंट, अच्छे से समझो, मैंने पहले ही बोला हर एक एलिमेंट को करोड़पति बनना है। क्या बनना है भाई, करोड़पति। करोड़पति का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लाने हैं। क्या कर रहे हैं भाई, अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, अब देखो ये 5, 6, 7 वाले कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करते नहीं है, वो क्या करेंगे, इनको भी ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, इनको भी करोड़पति बनना है। तो ये जो एलिमेंट है वो क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट के पास देखो ये दान दे रहे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे, तो सामने एक्सेप्ट करने वाला भी एलिमेंट चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। बट दिमाग में क्या रखना है, 8 ध्यान रखना है। चलो इसको ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। अच्छे से समझो, इसको ऑक्टेट में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, इसको 2, इसको 1। यानी जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करे या तो रिसीव करे या तो एक्सेप्ट करे, बराबर 3 वर्ड। तो भाई एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो दूसरे एलिमेंट के पास से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते या तो गेन करते या तो एक्सेप्ट करके ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं। लाइक नाइट्रोजन को
ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, रिसीव करेंगे या तो क्या करेंगे भाई, एक्सेप्ट करेंगे, वो नेगेटिव आयन बनाएंगे। कौन से आयन स्टूडेंट? समझ में आया? जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे या तो गेन करेंगे, रिसीव कौन से वाले करेंगे? 5, 6, 7 वाले। कौन से करेंगे भाई? 5, 6, 7 वाले। 5 वाले को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी बनेगी भाई? N-3। बराबर है। खास याद रखना है तो आप केमिकल फॉर्मूला लिख पाओ। देखो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ऑलवेज O क्या बनेगा भाई? -2। सेम क्लोरीन को सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो Cl ऑलवेज क्या बनेगा भाई? -1। क्या बनेगा भाई? -1। क्लियर? कुछ समझ में आया? और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे, नेगेटिव आयन बनाएंगे, वो ऑलवेज कौन से होंगे भाई? नॉन मेटालिक एलिमेंट। कौन से होंगे? ये इनके बिटवीन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। कभी मेटालिक एलिमेंट ऑलवेज, मेटालिक एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑलवेज कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, 2, 3। उनकी टेंडेंसी ऑलवेज कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन को लूज करने, इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑलवेज कौन से आयन बनाएंगे? पॉजिटिव। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na+1 आयन बनाएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg+2 आयन बनाएगा। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Al+3 आयन बनाएगा। और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा पॉजिटिव आयन बनाएगा। और जो पॉजिटिव आयन बनाता है वो कौन सा है भाई? मेटालिक एलिमेंट। अब आया समझ में पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा? सेम जो भी एलिमेंट, एलिमेंट जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, वो इतने इलेक्ट्रॉन को कभी भी लूज कर सकते नहीं, तो वो ऑक्टेट या तो क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या करेंगे भाई? दूसरे एलिमेंट के पास से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? या तो गेन, रिसीव या तो एक्सेप्ट करेंगे। 5 वाले को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। 6 वाले को 2। 7 वाले को 1। और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे वो नेगेटिव आयन बनाएंगे। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो N-3 बनेगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, O-2 बनेगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो Cl-1। और जो एलिमेंट नेगेटिव आयन बनाएंगे स्टूडेंट, वो नॉन मेटालिक एलिमेंट। कौन से है भाई? आज के वीडियो में सारा खत्म होने वाला नहीं, पहले इतना समझो। बराबर है, पहले इतना समझो। अभी ये वीडियो हमारा कंटिन्यू है, कल के वीडियो के अंदर यहां से हम लोग फिर से आगे बढ़ने वाले। समझ गए? यहां से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि लगभग हमारी मिनट हो चुकी है 48 मिनट। अभी भी मैं स्टूडेंट आगे बढ़ूंगा, अभी तो ये 4 वाला बाकी है, 8 वाला बाकी है। बराबर है, तो आज इतना रखते हैं, पहले इतना समझो, ये लिख कर अपनी नोटबुक में रखना। बराबर है, ये नोटबुक में लिख कर रखना, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब फिर से पूछूंगा, कल फिर से इसका थोड़ा रिवीजन होगा और फिर हम लोग 4-8 के बारे में समझेंगे ये क्या बनाने वाले। तो आज जिंदा रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट, कल यहां से हमारा वीडियो कंटिन्यू हो।